हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मिशन गगनयान की। क्या है मिशन गगनयान, ये कैसे जाएगा, कैसे वर्क करेगा, क्या होता है मिशन गगनयान और इसके थ्रू कैसे अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि प्राचीन जमाने से ही मानव सभ्यताओं ने आकाश की तरफ जब देखना शुरू किया, निहारना शुरू किया, जिज्ञासाओं बस देखना शुरू किया था, उसी समय से मानव जो है वो उन चांद तारों की दुनिया, रहस्यमय दुनिया को जानना चाहता था, सोचता था, समझता था और उन पर जाना भी चाहता था। आखिर वो सोचता था ये टिमटिमाते हुए दीपक क्या हैं, रात्रि में जो आज हम इन्हें स्टार्स बोलते हैं, उसी के माध्यम से और तमाम चीज़ों को वो उड़ते हुए देखता था, पंक्षियों को। तो उसमें भी गगन बिहारी बनने की इच्छाएं प्रबल होने लगीं और उन्हीं इच्छाओं का परिणाम है कि आज हम जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम लोग गगन बिहारी बन चुके हैं। तो अब तमाम देशों ने, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, उन्होंने अपने अपने मैंड मिशन स्पेस में भेजे हैं। उसी कड़ी में अब और भी देश अपने अपने मैंड मिशन को प्लान कर रहे हैं और इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लोग गगन बिहारी बनते जा रहे हैं, या यूं कहें कि जो स्पेस लवर्स हैं वो सब लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में तमाम स्पेस एजेंसी हों, चाहे वो रसिया की रॉसकॉस्मोस हो, नासा का, चाहे अमेरिकन नासा हो, नॉटिकल एविएशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर चाइना का हो, CNS कनाडियन स्पेस एजेंसी हो, या फिर आपकी अन्य देशों की स्पेस एजेंसीज हों, तो बहुत सारी स्पेस एजेंसी भी आज इस रेस में, यानी स्पेस रेस में अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने अपने लोगों को, अपने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोहद लगी हैं और जद्दोहद कर रही हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो अब इस मिशन को आगे बढ़ाने चाहती हैं। तो उन्हीं में से हमारे पास जो है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स डेवलप किए गए हैं और तमाम टेक्नोलॉजिकल थिंग्स डेवलप की गई हैं। उन्हीं में से एक और हमारा जो महत्वपूर्ण मिशन है वो है मिशन गगनयान। जैसे कि हमने चंद्रयान 1, 2, 3 कराया, फिर आदित्य L1 सूर्ययान मिशन कराए और MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान कराया, तो हम लोग भी तमाम मिशन करा चुके हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। उन्हीं में से अब हम मनुष्य को अपने यहाँ अपने रॉकेट से अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अंतरिक्ष में भेजने की योजनाएं बना रहे हैं और अब वो योजनाएं साकार होती भी दिख रही हैं आप लोगों को, और ये एक उसी का परिणाम है जो मिशन गगनयान कल, यानी यूं कहें 21 अक्टूबर 2023 के लिए अपनी डिजायर्ड ऑर्बिट में, यानी यूं कहें कि यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर, यानी लियो, लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए बिल्कुल कमर कस ली है, वो खड़ा हुआ है, पूरी तरह से रेडी है, सारी चीज़ें उसकी जो हैं वो चेक कर ली गई हैं। अब क्या है, क्या वो उसमें आपके ब्रेन में, दिमाग में क्वेश्चंस आएगा, क्या वो कल ही मानवों को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला है, क्या ऐसा है कि उसमें जो है अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल ही अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, लेकिन हाँ, अभी आगे आने वाले समय में कुछ एक सालों के भीतर ही बिल्कुल तौर से हम कह सकते हैं, निश्चित तौर से, कि उन्हीं के माध्यम से हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष विहार पर जाएंगे और वहाँ पर भी रिसर्च करेंगे। जैसे कि और भी तमाम मिशन इसरो के लगे हुए हैं, चाहे वो, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, वहाँ पर 5 से 7 साइंटिस्ट हमेशा लगातार बने रहते हैं जो कि 14 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हैं। ऐसे ही अपनी अपनी स्पेस एजेंसियों ने, पूरी दुनिया की वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी की लोगों ने अपनी अपनी स्पेस एजेंसियों का निर्माण किया है, उनके माध्यम से अलग अलग मिशंस को सक्सेसफुली कराने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं और कर रहे हैं। ऐसे ही चाहे वो ISS हो, जो कई देशों के सहयोग से जो मिलकर के बनाया हुआ है, जिसमें रशिया का भी सहयोग है, USA का सहयोग है और तमाम CNS का भी सहयोग है। ऐसे ही अब फिर एक नया स्पेस स्टेशन त्यांगोंग जो चाइना ने भी अपना बना लिया है, तो उसी पर इसरो भी वर्क कर रहा है कि लगभग जो है वो 2035 तक अपना इंडियन स्टेशन होना चाहिए, स्पेस स्टेशन होना चाहिए,
उसके बाद में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये भी प्लानिंग है आगे की आने वाली मिशंस की, कि एक्चुअल में अब जो है हम अपने रॉकेट और अपने स्पेस शटल के माध्यम से जो है वो चंद्रमा पर जाएं। तो 2040 के मिशंस वगैरह की भी योजना अभी से तैयार कर ली गई है कि अब जो है अपने रॉकेट के माध्यम से यहाँ से जो है वो अंतरिक्ष में जाएं, उसके बाद में जैसे अपना ISS की तरह अपना स्पेस स्टेशन हो और अपने मॉड्यूल के माध्यम से, अपने क्रू मॉड्यूल्स के माध्यम से, अपने उपकरणों के माध्यम से, अपने स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से, अपने रॉकेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग भी जो हैं वो गगनबिहारी बन सकें और हम लोग जो हैं वो अंतरिक्ष में जा सकें, इंटरप्लेनेटरी जर्नी कर सकें आगे आने वाले समय में। क्योंकि भविष्य जो है वो अंतरिक्ष का बहुत ही उज्जवल भविष्य है, क्योंकि इस अनंत विस्तारित इन्फाइनाइट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में बहुत कुछ करना मानवता के लिए बाकी है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मिशन जो है वो है गगनयान मिशन। अब हम जान लेते हैं कि गगनयान मिशन दरअसल है क्या। मिशन गगनयान की अगर हम बात करें तो इसे कई पार्ट में जो है अभी धीरे धीरे करके यहाँ से जो है टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी। अभी जो 21 अक्टूबर को होने जा रहा है वो टेस्ट फ्लाइट है, यानी यूं कहें हम लोग वो टेस्ट फ्लाइट अबाउट मिशन होगा, जिस पर आप लोग एक देखेंगे जो रॉकेट है इसरो का, उस पर जो रॉकेट खड़ा हुआ है इस समय रेडी है उस पर TBD-1 लिखा हुआ है। तो ये TBD-1 का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये टेस्ट फ्लाइट 1 है, यानी यूं कहें कि उसमें जो अभी फिलहाल परखा जाएगा वो उसकी टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन को परखा जाएगा कि आगे आने वाली जो कुछ समय है उसमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे बैठ करके, 3 एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे उनमें कहीं कोई अगर दिक्कत आती है तो हम उनसे पहले ही उन सारी चीज़ों को पहले सुधार लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी को सही कर लेते हैं। तो इसीलिए अब जो है वो टेस्ट फ्लाइट मिशन, जिसे हम कह सकते हैं टेस्ट फ्लाइट अबॉर्ट मिशन जिसका पूरा नाम है हम कहें तो, अब उसमें ये पूरा एक रॉकेट है और रॉकेट के कई पार्ट्स हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे रॉकेट को इधर और इधर आप लोगों को ऐसे ऐसे 2 बूस्टर लगे हुए दिखाई देंगे। इनका बेसिक मतलब होता है, बेसिक काम होता है कि थ्रस्ट पैदा करना, यानी चीज़ों को धक्का दे करके अर्थ की ग्रेविटी से निकालना, यानी यूं कहें कि जो पूरा जो सिस्टम है उसको यहाँ से आगे बढ़ाना ऊपर की तरफ। तो ये लगभग जो है वो 16 किलोमीटर तक यहाँ से इसे लेके जाएंगे। उसके बाद में जो सॉलिड बूस्टर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और उसके साथ में ये जो बूस्टर्स हैं हमारे जो S-200 कहलाते हैं, रॉकेट बूस्टर्स जो हैं, यानी इन्हें हम जो है वो ये थ्रस्ट पैदा करते हैं, यानी इन्हें जो है वो थ्रस्ट पैदा करते हैं एक हिसाब से, ऐसे करके धक्का लगाते हैं, बूस्ट करते हैं चीज़ों को, बूस्टर, इसीलिए इनका नाम जो है HS-200 बूस्टर्स होता है। ये इस पूरे रॉकेट को जो है इसमें जो मटेरियल, या फिर चाहे वो क्रू मॉड्यूल हो या फिर क्रू एस्केप मॉड्यूल हो या फिर इसके अंदर पेलोड्स हो, ये पूरा एक हिसाब से पेलोड ही होता है। पेलोड का मतलब होता है पूरा मटेरियल, सामान, ये चीज़ें या वस्तु या कोई भी चीज़ जो यहाँ पर रखी हुई है, जो रॉकेट के माध्यम से हमें अंतरिक्ष में भेजना है या फिर किसी मिशन पर भेजना होता है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा एक रॉकेट है, एक कंप्लीट रॉकेट है। इस रॉकेट में जो है अब ये TBD-1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है टेस्ट व्हीकल फ्लाइट 1, यानी वो टेस्ट इसमें जो होने वाला है 21 तारीख के लिए उसमें ये टेस्ट होगा कि ये जो रॉकेट है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है LBM-3 जो है, HLBM-3 अभी कहलाएगा आगे आने वाले समय में, अभी तो जो है वो LBM ही कहलाएगा। तो है क्या कि HLBM हो जाएगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जो है होगा पूरा रॉकेट, लेकिन पूरा रॉकेट जो है HLBM-3 जो है उसकी अगर हम बात करें, एक एक पुर्जे की बात करें, एक एक जो है उपकरण की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में ये एक रॉकेट है पूरा, इसमें ये बूस्टर्स लगे हुए हैं जिनका काम होता है ऊपर धक्का दे करके इस पूरे मॉड्यूल को, पूरे सिस्टम को आगे ले जाना, अंतरिक्ष की तरफ ले जाना। और इसमें 3 स्टेजेज होती हैं, जैसे कि पहली स्टेजेज हो गई जो है आपकी, ये दोनों तरफ बूस्टर लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, इनका काम बूस्ट करना, और ये सॉलिड स्टेज हो गई, फिर लिक्विड स्टेज हो गई और फिर क्रायोजेनिक स्टेज हो गई। तो होता क्या है कि ये लगभग यहाँ से इतना जो सॉलिड स्टेज है वो लगभग 16 किलोमीटर ऊपर तक आकाश में इस पूरे मटेरियल को, पूरी चीज़ों को लेकर के जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे, उनकी जो है फिर धीरे धीरे करके जैसे सॉलिड हो गया फिर लिक्विड स्टेज चालू होगी। तो ये नीचे की चीज़ें अंतरिक्ष में, ऊपर जो आकाश है यानी यूँ कह सकते हैं एटमोस्फेयर है, उसमें गिरती चली जाएंगी जो ऊपर है, उसके बाद में वहाँ पर जल करके नष्ट हो जाती हैं पूरी तरह से। तो ये इतना अब हट गया, तो वजन हल्का हुआ,
अब इतना रह गया, सॉलिड वाला अलग हो गया, अब लिक्विड स्टेज स्टार्ट होगी इंजन जो है, तो ये लगभग 300 सेकंड्स तक चलता है, और फिर ये जो है 110 सेकंड्स तक चलता है, फिर ये 300 सेकंड्स तक लगभग चलता है। सबका एक टाइम स्पान होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू, उसमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन और डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये समझिए कि इतना जो है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए थे, और जो सॉलिड जो बूस्टर्स थे उनके माध्यम से ये पूरा जो इतना रॉकेट था, यानी यूं कहें इतना पार्ट था, सॉलिड स्टेज जिसे कहते हैं, वो वाला अब अलग हो गया, तो वजन और कम हुआ, अलग होता जाएगा। दूसरा फिर लिक्विड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, अब वो जो है वो 300 सेकंड्स तक लगभग ऐसे चलेगी। उसके बाद में क्या होगा कि ये भी इतना अलग हो जाएगा। अब उसके बाद में ये क्रायोजेनिक स्टेज रहेगी, अब इतना रह गया है आपका रॉकेट, और पूरा जो इसमें चीजें रखी हुई हैं वो पूरा, चाहे क्रू मॉड्यूल हो या फिर क्रू एस्केप मॉड्यूल हो, तो इतना रह गया। अब ये क्रायोजेनिक स्टेज हुआ, वो क्या करेगी कि वो यहां से 400 किलोमीटर ऊपर तक ले जाएगी लियो में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। तीन ऑर्बिट होती हैं जैसे अर्थ की हम डिफाइन करते हैं, तो लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट, और फिर मियो यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा होता है जियो यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकारी कक्षा, यानी 36,000 किलोमीटर ऊपर, जहां पर जो है बहुत सारे उपकरण जो सैटेलाइट्स होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं, कि अगर हमें दूर की सिग्नल वगैरह भेजने हैं तो पूरे पर ज्यादा कवर करना है, तो फिर हमें बहुत दूर भेजना होगा अपने जो हमारे मॉड्यूल है, या फिर इसे कहते हैं हम लोग जो है सैटेलाइट है, उनको बहुत दूर भेजना होता है अगर बहुत दूर की चीजों को कवर करना है ऐसे ऐसे करके। तो अगर पास पे कवर करना है, बहुत इंटेंसिवली कवर करना है, तो हम लियो में भेजते हैं चीजों को, लो अर्थ ऑर्बिट, जो यहाँ से पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। तो ये ऐसे अलग होते जाएंगे, और ये मॉड्यूल है पूरा, ये एक जो है वो कंप्लीट मॉड्यूल जिसे कहेंगे, इस मॉड्यूल को यानी कहेंगे हम लोग मिशन गगनयान। और इसमें क्या होगा कि अभी जो TBD-1 फ्लाइट जो है, टेस्ट फ्लाइट जिसका काम है, उसमें हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये जो पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट जिसे हम क्रू मॉड्यूल कहेंगे, यानी इसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, अब एस्ट्रोनॉट तो अमेरिका में उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री का मतलब हर भाषा में अलग अलग होता है। जैसे कि हम कहें कि अमेरिका में अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, और रसिया में कॉस्मोनॉट कहा जाता है, चाइना में अलग है, और इंडिया में अलग। तो इंडिया में अलग क्या, इंडिया में जो है वो उनका नाम एक हिसाब से यूं कहें कि वो गगननॉट ही कहलाएंगे, जो है व्योम मित्र, जैसे कि अभी व्योम मित्र की भी बात करेंगे क्या है, तो वो गगननॉट्स कहलाएंगे एक हिसाब से, या फिर देखते हैं हम लोग की फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये पूरा सिस्टम इतना है, इसमें अभी ये डीप्रेशराइज्ड केबिन रहेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई पहली दफा में ना रोबोट भेजा जा रहा है TBD-1 फ्लाइट में, ना ह्यूमन भेजे जा रहे हैं, अभी तो ये टेस्टिंग फ्लाइट्स है ना। तो आगे आने वाले समय में अभी क्या होगा कि ये TBD-1 फ्लाइट है जो 21 अक्टूबर 2023 को भेजा जा रहा है, उसके बाद में नवम्बर में जो होगा वो दूसरी फ्लाइट टेस्ट होगा, यानी उसे कहेंगे TBD-2, फिर दिसंबर में TBD-3, तो तीसरी फ्लाइट होगी। अब फिर जो चौथी फ्लाइट कराएंगे यहां से इसरो वाले, जो LBM-3 रॉकेट्स के माध्यम से, पूरा सिस्टम तो यही रहेगा लगभग सेम, जैसे कि जिस तरह आगे मानव को ले जाना है आगे के आने वाले सालों में, तो ऐसे करके ये चार ये पूरा हो जाएगा। TBD-3 हो गया दिसंबर में, और फिर ये आशंका जताई जा रही है कि अगले साल यानी 2024 में, 2024 जो है फोर में क्या होगा कि वो जो मिशन कराया जाएगा उसमें जो है हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट रहेगा, जो पहले से इसरो के द्वारा बना लिया गया है, जिसका नाम जो है व्योम मित्र रखा है। उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, उसमें पहले चेक किया जाएगा, पहले तो हमने पूरा सिस्टम चेक कर लिया अपना, पूरा रॉकेट से लेकर के हमारा ये क्रू मॉड्यूल चेक हो गया, एस्केप मॉड्यूल चेक हो गया, और तमाम चीज़ें चेक हो गई, डीप प्रेशराइज्ड केबिन चेक हो गया, और प्रेशराइज केबिन चेक हो गया, ये टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास ये हमने कंप्लीट कर लिया कि हाँ हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास वो रॉकेट है, वो टेक्नोलॉजी है, डेमोन्स्ट्रेशन करके कि अगर हम सच में मानवों को भेजा जाए तो वो उन्हें कोई हानि ना होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो स्पेस मिशन होते हैं, कोई भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जान, चाहे वो हम मानव कहें या फिर जो अन्य जीव जंतु हैं, उनकी सबकी जान जो है वो बहुत कीमती होती है। ऐसा ही नहीं है कि मानवों की ही जान कीमती है, सबकी जान अपनी जगह बहुत कीमती होती है, स्वाभाविक बात है। तो हम ऐसे ही तो किसी चीज़ को किसी टेक्निकल ग्लिचेज के भरोसे तो नहीं छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो TBD-1 फ्लाइट है उसमें ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, जैसे कि क्या करेंगे कि ये हमारा जो रॉकेट है और इसमें मैंने जो स्टेजेज बताए उनके थ्रू ये चलेगा, उसके बाद में ये जो इसका
एस्केप मॉड्यूल, ये एस्केप मॉड्यूल है और ये इसका जो है क्रू मॉड्यूल है, यानी क्रू मतलब जिसमें क्रू मेंबर्स वगैरह बैठेंगे। तो इसमें जो है वो अभी तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन TBD 1 हो गई, TBD 2 हो गई, TBD 3 हो गई। अब जो TBD 4 होगी, जो अगले साल 2024 में जनवरी या फरवरी में इसरो जो है वो प्लान करेगा कि जो व्योममित्र रोबोट है उसको यहाँ पर बिठाल करके भेजा जाएगा और वो सकुशल उसकी लैंडिंग कराई जाएगी, यानी वहां पर जो है अर्थ पर भी लाएंगे उसे, वहां से लियो से लो अर्थ ऑर्बिट से नीचे भी लाया जाएगा और उसे स्पेस डाउन लैंडिंग कराएंगे जो है। ऐसे ही क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि ये जो क्रू मॉड्यूल है इसमें, और ये डॉक रहता है, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है वो क्रू एस्केप मॉड्यूल है ये। अब ये क्यों लगाया गया है, इस चीज को समझना जरूरी है कि मटेरियल तो इतना पहुंचाना है, इसमें रहेगा क्रू मॉड्यूल, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो गगनॉट्स हैं, वो तो इसमें रहेंगे, इस वाले हिस्से में। फिर ये आगे क्यों लगाया गया है, जो एंटीना जैसा आगे आपको दिखाई देगा, अगर आपका फोटो देखेंगे, मैं इस पर फोटो लगा भी दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप देखेंगे ये दरअसल ये वाला जो हिस्सा है वो इसीलिए इससे डॉक किया गया है, इस पूरे हिस्से को क्रू मॉड्यूल सिस्टम कहलाएगा। अब ये पूरा क्रू मॉड्यूल एक सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें हीट शील्ड वगैरह भी लगी हुई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स भी लगी हुई है। तो अगर इसमें कोई ग्लिचेज आती है, यानी यहां से ऊपर भेजते समय रॉकेट वगैरह में कोई ग्लिचेज आती है, या फिर यहां पर कोई ग्लिचेज आती है कहीं भी पूरे सिस्टम में जो है, तो क्या होगा, ये उसी समय जो है, अब इसको पहले TBD 1 टेस्ट के माध्यम से जो 21 अक्टूबर को होने जा रहा है उसमें चेक कर लिया जाएगा पहले से ही कि होगा क्या, कि अगर रॉकेट में कोई दिक्कत हुई, जैसे यहां से लिफ्ट ऑफ किया रॉकेट और उसी समय रॉकेट में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये मिशन जो है वो बड़ा, मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण मिशन होते हैं। कई बार जैसे हो चुके हैं नासा का, चाहे मिशन की हम बात करें, चाहे वो अपोलो 1 मिशन की बात करें, तो अपोलो 1 फेल हो गया और उसमें जो है कई लोगों की, 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद में 7 लोगों की और जान चली गई। फिर चाहे वो हमारा यहाँ की भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री, इन्हें कह सकते हैं कल्पना चावला जो थी, रहने वाली मूल की, भारतीय मूल की जो थी, वो गई थी जो है कोलंबिया मिशन के माध्यम से। उस मिशन में भी क्या हुआ था कि वो आते समय जो है वो गड़बड़ी हो गई थी, यानी लेफ्ट विंग पर टूट करके जो टुकड़ा था अलग होने के लिए, और वो जो है लेफ्ट विंग से टकरा गया, ऐसा उनकी जो निकल के आती हैं सारी जो कैलकुलेशंस हैं, या फिर पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड जो भी चाहे चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं कि वो जो है लेफ्ट विंग में टकरा गया और वहाँ पर जो है वो उसने उसे फाड़ दिया पूरी तरह से। जब री एंटर होने वाला था एटमोस्फेयर में, वायुमंडल में, तो उसे फाड़ दिया और उसके बाद में जो है अंदर एकदम बहुत प्रेशर से जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है बाहर की जो प्रेशर था वो उस पर ज़्यादा हुआ, उसके बाद वो फट गया। वो 7 जो एस्ट्रोनॉट थे अमेरिकन, उनमें कल्पना चावला भारतीय मूल की जो थी, इसरो की तरफ जो नासा की तरफ से भेजी गई थी, वो जो है वो भी वहां पर, उनकी भी मृत्यु हो गई 1 तारीख, 2 महीना 2003 की बात है, उसे कौन भूल सकता है। कोलंबिया मिशन, उससे पहले भी तमाम ऐसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हुई हैं जो कि अनसक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि स्पेस में कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक्चुअल में ये फ्लाइट सच में सही साबित होगी पूरी तरह से, टेक्नोलॉजी ये टेस्टेड है, बावजूद उसके कोई ना कोई ग्लिचेज आ सकती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पूर्व की सीरीजों में बता चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी में खूबियों के साथ साथ खामियों का आना स्वाभाविक है, आप उससे बच नहीं सकते पूरी तरीके से, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, आप बाहर गाड़ी लेकर के निकलें, कब कहाँ क्या किसे कैसे किस स्थिति में क्या हो जाए, कभी कुछ नहीं कह सकते। ये पॉसिबिलिटीज हैं, स्वाभाविक बात है, लेकिन हम रिस्क तो लेते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कुछ चीजें सामान्य से असामान्य तौर से भी कभी कभी घटित हो जाती हैं आपके ना चाहते हुए भी। तो फिर भी हम पूरी तरीके से जब आसक्त हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ये चीजें पूरी तरीके से ठीक है, तभी हम किसी मिशन को कराते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें जो है वो TBD 4 जो फ्लाइट होगी उसमें जो है ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड मतलब आदमी की तरह ही, यानी यूं कह सकते हैं वो एक महिला है, महिला रोबोट है, वो पूरी तरीके से इसरो द्वारा पहले से तैयार कर लिया गया, उसको भी रख करके आगे आने वाले समय में, यानी जनवरी 24 2024 में भेजा जाएगा, या फरवरी में हो सकता है प्लांट है उनका, तो वो इसमें यहाँ पर रहेगा। तो उससे पहले हम इसको चेक करेंगे पूरे अपने सिस्टम को, हम भेजने से पहले, यानी TBD 1 फ्लाइट जो है हमारी उसको टेस्ट करेंगे। तो हम TBD 1 में पाते हैं कि इसमें हम पहले टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है इसमें हम यहाँ से एनोमली पैदा करेंगे। कल जो होगा आप देखना, 7 से 9 बजे के बिटवीन जो है प्रसारण किया जाएगा इसका लाइव इसरो के द्वारा, तमाम चैनलों पर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं उसका प्रसारण वगैरह। तो आप लोग क्या देखेंगे कि उसमें जो है इस सिस्टम में, इस रॉकेट में जानबूझ करके यहाँ से कमांड दिया जाएगा
कि ये जो है इसमें एनोमली पैदा करते हैं। तो हम इस पूरे क्रू मॉड्यूल को चेक करना चाहते हैं कि इसमें अगर दिक्कत हुई तो ये वाला ये जो सिस्टम है क्रू एस्केप मॉड्यूल, यानी इसका काम ये होगा कि ये तुरंत यहां से ये अलग कर दे और इतने सिस्टम को लेकर के ये बचा, अब तो इतना सिस्टम बचा इस वाले, यानी इस पूरे क्रू मॉड्यूल सिस्टम को, ये क्रू मॉड्यूल है, क्रू सिस्टम है, इस क्रू मॉड्यूल को ये क्रू एस्केप सिस्टम, एस्केप मतलब होता है बचाना किसी चीज को, होता ना बाल बाल बच गए, तो बाकी जो है बाल बाल बच गए बाकी दाढ़ी मूछ रह गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, तो बाल बाल बच गए मतलब जो है नैरो एस्केप मतलब जो बाल बाल बचना है ना, तो ऐसे ही करके ये तो पूरी तरह से बचाएगा, इसमें बाल बाल बचने का काम नहीं है, ठीक है ना, ये तो भाई पूरा इस सिस्टम को क्या करेगा, अब इसको पूरा ये जो है क्रू मॉड्यूल जिसे कहा जाएगा, ये जिसमें यहां पर आगे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्री बैठ करके जाएंगे, तो पहले से ये लगा रहेगा, उसमें भी लगा रहेगा जो अन्य मिशन होंगे, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले का काम ये रहेगा, अगर यहां इस रॉकेट में कोई गड़बड़ी आती है तो इसको लेकर के ये बीच वाला क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार रहेंगे, अंतरिक्ष यात्री सवार रहेंगे, गगननॉट सवार रहेंगे, व्योमनॉट जिसे कहेंगे वो सवार रहेंगे, तो क्या होगा कि इसको ये बचा लेगा, एक हिसाब से इसे ले जाएगा, ये पूरा डॉक रहेगा, मिला रहेगा, अगर इसमें कुछ होता है कल किया जाएगा, इसमें जो एक हिसाब से धमाका किया जाएगा तो ये फटेगा, और फटने के बाद में क्या होगा, ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है क्रू एस्केप मॉड्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सीईएस, ये इसको क्रू मॉड्यूल को ऐसे करके ले करके और 30 किलोमीटर पर चला जाएगा, और वहां से क्या होगा वो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है वो ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर से और बंगाल की खाड़ी में जो है वो लैंड करा देगा, बकायदा सकुशल लैंड करा देगा, उससे पहले जो है इंडियन नेवी की टीम जो है वहां पर तैनात रहेगी, वो पूरी जानकारियां पल पल की रहती रहेगी, देखती रहेगी, उन्हें वहां से जो है वो वहां से गिरेगा, तो जैसे ही भचक गिरेगा, यानी यूं कहें कि लगभग जो 18 किलोमीटर पर आएगा, तो उसमें पैराशूट लगे रहेंगे, दो पैराशूट, तो दो पैराशूट 18 किलोमीटर पर खुल जाएंगे, फिर 7 किलोमीटर पर आ जाएंगे, तो फिर उसके अंदर जो है वो यूं कहें कि रेट्रो इंजन लगे रहेंगे, यानी यूं कहें कि वो रीओरिएंटेशन करके, यानी ऐसे करके मुड़ेगा और मुड़ करके नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में धीरे धीरे करके जैसे 17 किलोमीटर आया, फिर 7 किलोमीटर आया, लगभग 17-18 से 7 किलोमीटर पर आ गया, तो दो पैराशूट खुल गए, तो पैराशूट खुल जाएंगे, वो उसकी गति को और धीमे करेंगे, उसमें जो यानी यूं कहें कि बूस्टर्स लगे हुए, एक हिसाब से जो थ्रस्टर्स लगे हुए, वो थ्रस्टर्स जो है वो फायर होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वही वाला सिस्टम जो आपने चंद्रयान 3 में देखा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके जो है थ्रस्टर्स फायर होंगे, तो क्या करें उसकी गति को कम करेंगे, और फिर उस पर जो है दो एक हिसाब से पैराशूट्स भी लगे हुए, तो पैराशूट्स के माध्यम से वो लगभग 17-18 किलोमीटर से, फिर 7 किलोमीटर पर, 7 से किलोमीटर पर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से जो सागर है, समंदर है, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, उसमें जो खचाक से नीचे गिरेगा, यानी स्प्लैश डाउन हो जाएगा, स्प्लैश डाउन का मतलब होता है कि एकदम ऊपर से जो है पानी में गिरना, ऐसे करके पूरा मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल, तो अगर ये जो देखेंगे ये पूरा लेके इसे ये वही छूट जाएगा और इसे जो है इस वाले को नीचे आ जाएगा, तो ऐसे करके हम देखेंगे आगे आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत होती है कुछ भी तो इसको बचाने का काम करेगा, लेकिन अब काम निकल गया तो क्या होता है कि जब ये निकल गया काम तो कहानी खत्म होती है, ठीक है ना, जब तक इस चीज की आवश्यकता होती है तब तक ये ह्यूमन नेचर क्या है, ये तो नेचर का भी नेचर है कि हम लोग जानते हैं इसका जब काम खत्म हो जाएगा, अब क्या हुआ जैसे कि हमने कल वाला मिशन करा लिया, ये पूरा टेस्ट हो गया, उसके बाद में TBD 2 कराएंगे, ठीक है ना, नवंबर में TBD 3 कराएंगे, दिसंबर में TBD 4 जिसमें ह्यूमनॉइड हाफ ह्यूमन जो लेडी बनाई है, महिला बनाई है, एक हिसाब से रोबोट जो है वो महिला रोबोट जो उसमें जाएगी वो क्या करेगी, वो सारी चीजों को पूरा मेजरमेंट करेगी, देखेंगे एक हिसाब से उसके बारे में अंदर अंदर से हमें यहाँ भी जानकारी देती रहेंगी, जैसे कि यूं समझिए वो आदमी की तरह ही, औरतों की तरह ही है, हमारे आपकी तरह ही होगा वो रोबोट जो है, वो इस हिसाब से वो पूरी तरीके से आगे आने वाले समय में उससे हम लोग पहले भेज करके 400 किलोमीटर ऊपर पूरा जो है चक्कर लगाएगा, उसके बाद में फिर जो है वो नीचे उतार लेंगे, स्प्लैश डाउन करा लेंगे, फिर हमें पक्का हो जाएगा कि हाँ ये मिशन अब हमारा सक्सेसफुल हो सकता है, फिर हम अगले साल क्या करेंगे इस पूरे जो है मॉड्यूल को ऐसे करके फिर डिजाइनर डिफाइन करेंगे कि वो जो है वो प्रेशराइज्ड केबिन यूज करेंगे, प्रेशराइज्ड केबिन के माध्यम से उनमें जो 4 अभी व्योमनॉट्स या गगनॉट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग जो चल रही है उनमें से 3 लोगों को भेजा जाएगा, और उनकी जो है वो गगरियन स्पेस सेंटर जो आपका रशिया का था वहाँ पर जो ट्रेनिंग कराई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी, तो उनकी ट्रेनिंग वहाँ पूरी हो चुकी है, बेंगलुरु में जो है वहाँ पर इसरो के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग जारी है, वो लगातार ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, चूंकि पहली दफ़ा जो रशिया के सहयोग से राकेश शर्मा को भेजा गया था तो उन्होंने जो बताया कि सारे जहाँ से अच्छा
दोस्त था हमारा, तो स्वाभाविक बात है वहां से उन्होंने देखा और बात की कि हाँ ऐसा है। अब उनसे भी, उन तमाम लोगों से भी इन सारी जो है बातों पर चर्चा वगैरह हो रही है, और देखा जा रहा है उस समय एक और थे जो है उनसे भी तमाम चर्चाएं ली जा रही हैं उनके माध्यम से। अब क्या है कि अब जो है इन तीन लोगों को भेजा जाएगा आगे आने वाले समय में, अगले सालों में, और इन्हें फिर सकुशल 7 दिन तक जो है रखा जाएगा वहां पर। जब ये चला जाएगा पूरा सिस्टम, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो है इसमें क्रू मॉड्यूल में बैठ करके तीन लोग जाएंगे, तीनों लोग इंडियन एस्ट्रोनॉट जो होंगे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ये तीनों लोग 7 दिनों तक तो वहीं पर जो है उस स्पेस फ्लाइट में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी उसका नाम जो है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रखा जाएगा, तो उसमें वो जो है वो 7 दिन तक यूं पृथ्वी का चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे करके पूरा चारों तरफ से जो है घूमते रहेंगे, उसमें अंदर अपना कुछ रिसर्च वगैरह, कुछ जो मॉड्यूल के अंदर है तमाम चीज़ें उनको संपादित करते रहेंगे, और पूरी तरह से जो है डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस भी लेंगे, और उसके बाद में फिर क्या होगा कि रीओरिएंटेशन कराया जाएगा 7 दिन बाद, और फिर नीचे आएंगे, मतलब जो है जैसे 360 के कोण पर वो ऐसे मुड़ेगा और फिर नीचे पृथ्वी की तरफ आएंगे। तो उससे पहले आते समय ये तो जुड़ा रहेगा, ये पूरा इतना ये वाला तो ये खत्म हो जाएगा, इसका तो काम 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचाने का होता है, उसके बाद में ये रॉकेट वाला सिस्टम ये जो है ये खत्म मान लीजिए, इतना कट हो गया। अब ये पूरा मॉड्यूल रह गया, इसमें जो है क्रू एस्केप मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल में जो है वो हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे, बैठे खाली तो नहीं बैठे रहेंगे, स्वाभाविक बात है उसमें रिसर्च करेंगे, खोज गवेषण अनुसंधान करेंगे, उसमें जो 7 दिनों तक खाएंगे पिएंगे जो भी है हमारी तरह प्रक्रियाएं, लेकिन वो बहुत सुपरफास्ट प्रक्रियाएं करेंगे, स्वाभाविक बात है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वो बैठ करके सारी प्रोसेस को डेटा संसाधित करते रहेंगे, रिसर्च वगैरह गवेषण अनुसंधान करेंगे, और ये भी जुड़ा रहेगा, तब तक घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ये ध्यान रखना, ये अलग नहीं हो। अब ये अलग कब होगा, जब आना होगा तो, और वो लगभग 36 मिनट में जो है वो नीचे आ जाएंगे खड़ाक से, तब ये आते समय जो है, और उसमें हीट शील्ड भी लगी रहेगी ना, तो ये आते समय ये इजेक्ट करा दिया जाएगा, ये फेंक दिया जाएगा आकाश में, अंतरिक्ष में, मतलब जो है ये फेंक दिया जाएगा। तो ये तो स्पेस डेब्रिज हो गया ना, इस पर भी तमाम काम चल रहा है, एसडीएम आपने सुने होंगे, एसडीएम तो यहाँ के एसडीएम अलग होते हैं, स्पेस में एसडीएम का मतलब अलग होता है, स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब डीएम मतलब ये पूरा डॉकिंग मॉड्यूल हो गया, है ना, समझ रहा ना, और ये आपका ये सीएम हो गया, क्रू मॉड्यूल हो गया, तो ये सीएम हो गया। अब अपने यहाँ पर सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये इसमें अंतरिक्ष की भाषा, तो अंतरिक्ष में तो आप लोग जानते हैं हर शब्द का कुछ ना कुछ अलग मतलब मीनिंग होता है, तो ये आपका जो सीएम है वही ऊपर से वापस आएंगे, ये आपका ये एस्केप मॉड्यूल जो है, क्रू एस्केप मॉड्यूल, सीएसएम इसे बोलेंगे, क्रू एस्केप जो मॉड्यूल है, अब वो वहां पर इजेक्ट कर दिया, ऐसा करके फेंक दिया जाएगा, और ये बचेगा इतना मटेरियल, इसमें क्रू मॉड्यूल यानी जो सीएम है वो 7 दिन तक मतलब उसमें रह करके तीन यात्री, और फिर नीचे आएंगे 360 के एंगल पर, फिर नीचे आने के बाद में 36 मिनट वहां से आने में लगेंगे, और नीचे जो है वो दो पैराशूट खुल जाएंगे लगभग जो 17 किलोमीटर ऊपर धरती से, फिर नीचे 7 किलोमीटर, फिर जो है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से घचा मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, तो वो नीचे गिरेंगे समुद्र में, और समुद्र में पहले से ही जो है इंडियन नेवी रेडी रहेगी, तो वो जो है वहां से उठा करके उन लोगों को वहां से बचा करके बकायदा जो है रिकवर करके, और जो है बेंगलुरु जो स्पेस सेंटर्स वगैरह हैं इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं या फिर जो जगह हैं वहां पर ले जाएगी। तो ये पूरा मिशन होलिस्टिक मिशन का एक यूं कह सकते हैं कि छोटे से मैं संक्षिप्त विवरण जो मैंने दिया है, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो या फिर मुझसे बताने से वो सारी चीज़ें अभी छूट रही हो यूं कह सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया जिससे कि आपकी साधारण व्यक्ति की भी समझ में एक रॉकेट साइंस आ जाए, क्योंकि इसके पीछे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, पूरा मैथमेटिक्स ही होता है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैंने एक तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी समझ में आता है, अगर आपका ब्रेन स्वस्थ है और आप लोग अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि आप लोग जो है इस जानकारी को अपने पास तक सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि नॉलेज जो है वो नॉलेज शेयर्ड नॉलेज मल्टीपल होती है। हम लोग अगर इन चीज़ों को बाहर दूसरे लोगों को भेजते हैं और लोगों को भेजते हैं तो उससे और हमारी ही नॉलेज बढ़ती है यूँ कह सकते हैं। तो अपने पास रखे रखे ज्ञान को आप सड़ाइए ना, ये नॉलेज है वो यूँ कह सकते हैं कि वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, फिर क्या मतलब आपकी नॉलेज का। अगर आपकी नॉलेज का लोगों को फायदा नहीं मिला, लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उनका भी ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुआ, आपने अपना ब्रेन तो एक्टिवेट कर लिया, आप तो जान गए तमाम चीज़ों के बारे में, लेकिन आप उन्हें चीज़ों को दूसरों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, तो आपका भी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है धरती पर। तो फिर वही समझिए, धरती पर हम लोग मनुष्य प्रजाति ना होती, इट मीन्स नो डिफरेंस है, तब भी हम लोग तो फिर वही SDM कर रहे हैं, स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट करते फिर अंतरिक्ष में कूड़ा कबाड़ा कचरा और फेंक रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना है, हमें अपने ब्रेन का यूज करना है। इन सब जानकारियों को बारीकी से समझने और समझाने के लिए आप लोग के दिमाग में अगर आए, आपको वास्तव में अच्छा लगता हो स्पेस साइंस, अंतरिक्ष की, चांद तारों की भरी दुनिया में, और अंतरिक्ष विज्ञान तो एक ऐसा विषय है
कि ये एस्ट्रोनॉमी इज ए लैंग्वेज, और जो इस लैंग्वेज को जानता है, हु वॉन्ट टू नो दिस लैंग्वेज, एनीबडी कैन डू दिस लैंग्वेज ना, बाई योर नेकेड आई ऑब्जर्वेशन एज वेल, अपनी साधारण आंखों से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें किसी विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। अंतरिक्ष विज्ञान शुरू करना है तो आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर कैसे करें, क्या करें, तो इस पर भी अगर आप कहेंगे तो हम लोग एक छोटी सी आप वार्ता आपसे कर लेंगे, उस पर भी परिचर्चा कर देंगे हम लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ये सारी जानकारियाँ जो मैंने दी हैं इस छोटी सी संक्षिप्त क्लिप के माध्यम से, अगर आपको अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्पेस टू स्पेस यूट्यूब चैनल को, और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।